सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई अभी मैं सो के उठ चुका हूँ, नहा लिया और फ्रेश वगैरह होके रेडी भी हो गया हूँ, आप देख सकते हो मुझे। और फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको, पूरे 8:45 ऑलमोस्ट 8:45 हो रहे हैं। और आज देखते हैं नाश्ते में क्या बन रहा है। तो आज कुछ स्पेशल सा बन रहा है। आज नाश्ते में बन रहा है पकोड़े, ब्रेड पकोड़े। और मम्मी ने वही वाला सूट पहन रखा है जो हमने अनबॉक्सिंग की थी, तो अभी वहाँ पे भी और है और इधर भी और बन रहा है। अभी बनेगा ये, अभी बनेगा। और कैचअप भी है। और इसके साथ हम चाय खाएं, चाय या ये लस्सी पिए। चाय भी है, चाय भी। यार मैं सोच रहा हूँ लस्सी लेके चला जाऊंगा, पेट ठंडा रहेगा फिलहाल के लिए। भाई हमारा नाश्ता आ चुका है, कुछ इस तरीके से है ब्रेड। तो फिलहाल टेस्ट करके देखते हैं। गरम है। काफी अच्छे हैं। तो फिलहाल अभी करते हैं नाश्ता और मैं मिलता हूँ आपको नाश्ता करने के बाद। अभी भाई मैं रेडी हो गया हूँ जाने के लिए अपना, और मैंने बैग भी पकड़ लिया है। तो रास्ते में जैसा भी होगा, जो जो दिखेगा वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा रास्ते का व्यू। तो अभी चलते हैं फिलहाल, बाकी अपना रास्ते में खाने के लिए लंच भी रेडी हो गया, क्योंकि बाहर से खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, घर का ही खाना सबसे बढ़िया है, क्योंकि बाहर ना इतना मज़ा नहीं आता खाने में। तो फिलहाल चलते हैं अभी गाड़ी में। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ और मैं आपको दिखा दूंगा रास्ते में जैसा जैसा भी आएगा। तो फिलहाल ये है अपना कुनकुरी। अभी दिन हो चुका है, लोग आने लग गए हैं, दुकानदारी चालू हो चुकी है। बाकी दिखाता ही रहूँगा मैं आपको पूरा भी। तो आगे और भी अच्छे अच्छे सीन आएंगे ना, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। दोस्तों अभी आ रहा है कुनकुरी का बहुत फेमस कॉलेज, जिसको हम बोलते हैं लोयला कॉलेज। बाहर से दिखा दूंगा, अंदर जाना तो अभी पॉसिबल है नहीं। तो इधर है हमारा लोयला कॉलेज, अभी उसका मेन गेट आगे में है, वहाँ से दिखा देता हूँ। ये आ गया यहाँ से मेन गेट, और ये है पूरा लोयला कॉलेज अंदर में, पूरा लोयला। अभी तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, पहले तो बिल्कुल हुआ था, अब तो काफ़ी अच्छा बना दिया है, काफ़ी अच्छा डेकोरेट भी कर दिया है। बाकी कभी मौका मिले तो अंदर जाके भी दिखा दूंगा। और हम अब हो रहे हैं धीरे धीरे कुनकुरी से बाहर। आपको ये एरिया देख के ही पता लग जाएगा, अभी जिस तरीके से घर खेत वगैरह ये सब आएंगे उससे पता ही लग जाएगा कि बाहर वाला एरिया है। और अभी थोड़ी देर में ना कचहरी आएगी, मतलब जो पूरे एरिया की कचहरी है ना, कोर्ट जिसे कहते हैं कोर्ट, वो भी दिखेगा, जसपुर का कोर्ट जो कुनकुरी में ही है, जहाँ हम रहते हैं वहीं पे है। मतलब यहाँ पे कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, सिनेमा हॉल है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मतलब सब कुछ यहीं पे ही है। तो बहुत सारी सुविधा यहीं पे ही है, तो बहुत ईजी होता है अगर आप कुनकुरी में रह रहे हो तो। बाकी कोर्ट भी आ गया, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ की कचहरी। ये है कि यहाँ पे बाहर कोर्ट के जो रहता है उस समय उस तरीके का है। बाकी ये है कोर्ट, यहाँ पे देख सकते हो भीड़ भी लगा होगा। व्यवहार न्यायालय, देखो वो लिखा बोर्ड, व्यवहार न्यायालय। ये रही कचहरी है यहाँ पे कोर्ट कुनकुरी। पूरी अभी और यहाँ पे भी वकील वगैरह ये सब लोग रहते हैं इस साइड भी, लेकिन जो मेन था ना वो इस साइड वाले हाथ में था, आमने सामने ही है। तो अभी हम ऑलमोस्ट कुनकुरी से बाहर ही जाने वाले हैं, 1.5 किलोमीटर में हम कुनकुरी से बाहर हो ही जाएंगे। उधर एक और कॉलेज है जो बहुत पुराना कॉलेज है यहाँ का, जो कुनकुरी से थोड़े आउट एरिया में है, और जिसका रास्ता है वो दिखा देता हूँ। इस इधर से यहाँ से रास्ते, और इस कॉलेज से बहुत यादें
जुड़ी हुई है कोई, शाम को कभी कभार यहीं पे आ जाता था मैं। हाल फिलहाल में वैसे रेगुलर नहीं, बाकी यहाँ से एक पहाड़ है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, अगर आपको दिखेगा तो, क्योंकि पास में है लेकिन पेड़ पौधे ना तो इस वजह से वो दिख रहा है। बाकी यहाँ पे भी घर वगैरह बनना चालू हो गए हैं, ये सब काफी अच्छी जगह है। वो देखो दिख रहा होगा जहाँ से ट्रैकिंग वगैरह होती है, वो वाला पहाड़। बाकी यहाँ पे गाड़ियों के शोरूम वगैरह भी है, कुनकुरी के अंदर भी और बाहर भी है। जैसे यहाँ पे एक ये जो शोरूम है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये TVS का है, ये आपको पास जाते ही दिखेगा, ये रहा TVS का शोरूम, TVS का शोरूम। और ये देखो पहाड़। तो अभी भाई हम नेशनल हाईवे छू रहे हैं, यहाँ से चालू है। बाकी इधर इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ से ये जाएगा पूरा बाईपास होते हुए, और ये आ गया मेन हाईवे जो काफ़ी स्टेट को जोड़ता है, ये आपका कर्नाटक तक जोड़ता है। यहाँ पे लिखा होगा जसपुर, धनवाड़ा, मतलब 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर कंटिन्यू है ये हाईवे। कुनकुरी के अंदर सिटी में इसलिए नहीं क्योंकि वो सिटी पड़ जाता है, इसलिए ये लोग बाईपास निकालेंगे जहाँ से मैंने आपको दिखाया। बाकी इधर भाई गाड़ियाँ बहुत स्पीड में चलती है, बाकी हम स्लो ही चलाएंगे, ज़्यादा स्पीड चलाने का फ़ायदा है नहीं। और इस तरीके से हाईवे बिल्कुल प्लेन और चिकना रोड ये पूरा। तभी चलते हैं आगे। ये पता है हम हाईवे में है लेकिन हमारी स्पीड देखो कितनी है, करीब 80 के करीब पहुंच गई थी, 80 के करीब पहुंच गई थी, अभी टर्न आया तो धीरे से कम हुई। और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा भाई, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा क्योंकि रोड बिल्कुल प्लेन है ना और अच्छा है। और यहाँ पे ये देखो कोहिनूर रेस्टोरेंट है, जो इतना भीड़ भाड़ नहीं है, अभी बाद में ही होगा। बाकी मिलते हैं आगे, कुछ ना आएगा तो वो दिखाऊंगा। दोस्तों वो देखो उस पहाड़ की बात कर रहा था जहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह भी हो जाती है, ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। इसी में ही ट्रैकिंग वगैरह, पैराग्लाइडिंग ये सब होती है, जो मैंने आपको उस दिन कुनकुरी में नहीं दिखाया था, जहाँ मैं पाव भाजी वगैरह खाने गया था वहीं पे ही, इधर ही होती है वो सब ट्रैकिंग वगैरह। और हम लोग पहुँच गए हैं शरई डांड, ये रहा कंडोरा, ये सॉरी कंडोरा, ये मैं भी काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ तो जगह के नाम भूल गया हूँ। बाकी यहाँ पे देखो बस स्टैंड भी कितना सही बना रखा है बैठने के लिए, यात्री प्रतीक्षालय। ये देखो यहाँ से पूरा व्यू अच्छा आ रहा है, ये देख रहे हो बहुत अच्छा। उस साइड ही ना मयाली डैम है, वो भी मैं एक दिन आपको जरूर घुमाऊंगा। भाई अभी हम लोग हाईवे छोड़ दिए हैं और दुलदुला पहुंचने ही वाले हैं ऑलमोस्ट, और इस वाले रास्ते में अब अंदर वाले। तो हम ऑब्वियसली दुलदुला पहुंच गए हैं, अभी हम एंटर होने वाले हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसा है ये दुलदुला एरिया, नाम ही इसका अजीब है दुलदुला। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से एक आधी दुकान चालू है, यहाँ पे एक आधी दुकान चालू है, तो चलाता रहे। तो भाई यहाँ से और एंटर हो गए हैं, ये थोड़ा दुलदुला का जो स्टार्टिंग का एरिया था वो है, अभी मेन एरिया भी आएगा जो बिल्कुल अंदर में, ये मोड़ के बाद ही, बाकी ये ट्रैक्टर बीच में आ गया है। अभी यहाँ पे पहले ये स्ट्रीट लाइट नहीं थी, अभी ये लाइट भी लगा दी गई है यहाँ पे। तो फिलहाल अभी हम हो चुके हैं मेन दुलदुला में एंट्री, और ये सो दोस्तों ये है दुलदुला रहा दुलदुला। और मेरा फ़ोन भाई ओवरहीटेड बता रहा है इसलिए अपने आप वीडियो रुक गई थी, तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, बाकी जितना भी होगा वो दिखाता चलूँगा। ये है दुलदुला की मार्केट, ये ट्रक खड़ा हुआ है ना इसके बीच में गाड़ी, ऐसी थोड़ा वैसे अच्छे एरिया में जाओ ना, मतलब जहाँ अच्छा टाउन हो वहाँ पे थोड़ा बहुत जाम लगी जाता है।
बाकी इस साइड बाजार डांड है दुलदुला का, और यहाँ पे शॉप वगैरह गुपचुप वगैरह खाना हो। ये लोरो घाट, अभी घाट के ऊपर चढ़ेंगे हम वहाँ पे। और ये देखो, ये है शिव भगवान का शिव मंदिर। तो अभी हम लोग उधर ही जाएंगे, लोरो घाट पे ही। और ज़्यादा ऊंचा घाट नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर ही है। और जो जसपुर है, क्योंकि वो ऊपर साइड है इसलिए। तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, और हमारे ड्राइवर साहब चला रहे हैं, तो भाई गाड़ी में ज़्यादा ध्यान देना है। तो अभी ऊपर चढ़ रहे हैं लोरो घाट। यहाँ से दिखाता हूँ नीचे का एरिया अगर दिखेगा तो। बाकी दीवार बाउंड्री हट गई यहाँ से पूरा। और यार जब भी आप घाट में चढ़ो ना, तो हॉर्न मारते हुए जाओ, क्योंकि गाड़ियों का पता नहीं होता कहाँ से कहाँ आ जाती है, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा होता है। और अभी देखो यहाँ से शिवलिंग नहीं दिख रहा, लेकिन पास और जाएंगे ना तो दिखेगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल नीचे से दिखता है ऊपर से। ये रहा, जय भोले बाबा की जय। तो ये है हमारा लोरो घाट का शिवलिंग मंदिर है। ये मंदिर देखा सामने से कैसे ट्रक आया, यहाँ से रास्ता है जय भोलेनाथ की। इसके ना दोनों तरफ से भी रास्ता है, कि इस तरफ से भी रास्ता है और एक इधर से भी रास्ता है। और जो इधर वाला रास्ता है ना यहाँ से, वो पार्किंग के लिए भी, वहां से मतलब गाड़ियां जा सकती है, इधर से तो चढ़ नहीं सकती। जो मैंने आपको दिखाया, जो यहाँ से दिखा रहा हूँ, यहाँ से गाड़ियां चढ़ सकती है इधर से आएगा रास्ता। ये देखो ये जा रहा कच्चा रास्ता यहीं से है अंदर। तो अभी फिलहाल मिलते हैं जसपुर के अंदर। बाकी यहाँ से जसपुर ज़्यादा नहीं है, यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर होगा या 10-12 किलोमीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फिलहाल अभी अंदर जा रहे हैं जसपुर, और ये मेन हाईवे है, तो यहाँ पे ज़्यादा इतनी दुकानें वगैरह नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि हाईवे है। अंदर जब जसपुर के अंदर घुसेंगे तब आपको बहुत दुकानें मिलेगी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जसपुर, और ये जसपुर के रोड है, अंदर सिटी है, लेकिन हम सोच रहे हैं अंदर नहीं जाएंगे, यहीं से यू टर्न ले लेंगे, या जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल ये है जसपुर का एरिया, और अभी शायद ब्लॉग करने कम बनेगा, बाकी मैं आपको दिखाता हुआ जाऊँगा। ये जिला गृह संग्रहालय इस साइड, यहाँ से ये मेन गेट है पूरा। ये स्कूल फंक्शन वगैरह हो रहा है कुछ, इधर भी एक और स्कूल है, और इधर ये देख सकते हो फंक्शन वगैरह ये सब चल रहा है। और अभी हम जा रहे हैं और आगे, किस साइड मुड़े हैं, इस साइड किस साइड है, सीधा चलिए, सीधा है कुछ, हाँ उसको निकलने देना, इस साइड कुछ नहीं है भाई, इधर ही चल, इधर ही चल, नहीं उधर चलो, उधर ही चलो, उधर ही है, सॉरी सॉरी, मैं भी एरिया देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। बाकी इधर ही होगा, क्योंकि यहीं से ही बस आ रही है, तो बस स्टैंड इधर ही होगा। हम आउट आउट निकल जाएंगे, जसपुर के अंदर नहीं घुसेंगे, इतना बाहर से बाहर ही ऐसे निकल जाएंगे। बाकी ये जसपुर सिटी, और यहाँ पे दिखा देता हूँ जसपुर का जेल। ये है जसपुर का जेल, देख सकते हो, ये जसपुर का जेल है। यहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार इसलिए ताकि कोई कैदी टाप ना पाए। ये रहा जसपुर का जेल, इतनी ऊंची दीवार कौन ही टाप पाएगा भाई, देख रहे हो पूरे में वैसे बना रखी है, बहुत ही ज्यादा। तो फिलहाल चलते हैं और आगे हम। तो भाई ये है जसपुर का तालाब, कितना अच्छा सजा रखा है, चलता जाता। तो यह जसपुर का तालाब बहुत अच्छे तरीके से सजा रखा है, और यहाँ पे रिजॉर्ट भी है, लेकिन वो थोड़ा जसपुर से आउट एरिया में अंदर जाके, वो मैं दिखा नहीं सकूँ, बाद में कभी मौका लगे तो ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी ये तालाब देखो कितना अच्छा लग रहा है, कमल के फूल भी हैं इसमें,
बाकी ये बाजार डांड आ गया, अब हम ऑलमोस्ट बस स्टैंड पहुंचने वाले हैं। इधर से साइड लेके सीधा निकाल लियो। अबे तो अभी हम लोग जा रहे हैं और आगे, ये पूरा बस स्टैंड है, बाजार वगैरह लगा है, अभी हम जाएंगे आगे की साइड। सो दोस्तों अब बिल्कुल शाम हो गई है और मैं टाइम दिखा दे रहा हूँ कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है पूरे 7 बजने ही वाले हैं और देखो पूरा शाम हो गया है और हमें फिर जाना पड़ रहा है दुलदुला, क्योंकि उन अंकल का माल का ऑर्डर आ गया, तो सोच रहे हम उनको दे ही देते हैं जाके, क्योंकि दोबारा कितना आएंगे डबल डबल, इसलिए अभी हम जा रहे हैं वहीं पे ही दुलदुला वापसी। तो दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ और मुंह हाथ भी धो लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए और फ्रेश भी हो गया, तो फिलहाल अभी खाना खाने बैठता हूँ और जो 9 टाइम हो रहा है वो लगभग 9:30 बज रहे हैं, तो अभी फिलहाल खाना खाते और देखते हैं आज डिनर में क्या बना है, क्योंकि मैं तो पूरा दिन बाहर था तो मुझे इतना पता नहीं है। अपना डिनर रेडी और आज डिनर में मिले हैं हमको आलू के पराठे और चाय, तो फिलहाल करते हैं अभी डिनर और नींद भी आ रही है मेरे को, क्योंकि मैं सुबह से बाहर ही था, आपने देखा थोड़ा थकावा भी लग रहा है, तो फिलहाल अभी डिनर ही करता हूँ।